प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आबू। फिजिक्स ई कंटेंट की श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, और इसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन गैसों का द्रवण या जूल थॉम्सन प्रभाव, और आज हम पढ़ेंगे रुदोष्म चुंबकन द्वारा शीतलन या कूलिंग बाई एडियाबैटिक डायमैग्नेटिज्म। तो देखिए, आपने पढ़ा था जूल थॉम्सन प्रभाव में क्या थी कि जब गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर संरंध्र पात्र से भेजा जाता है तो उसके ताप में कमी आती है। जब इस प्रोसेस को अपन बार 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 से बार दोहराते हैं तो गैस के ताप में क्या आती है, कमी आती जाती है, कमी आती जाती है। अंत में गैस क्या करती है, द्रव अवस्था में आ जाती है, उसका तापक्रम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपने देखा होगा LPG जो गैस आती है घरों में वो क्या आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन और इन गैसों का क्या होता है, मिक्सर होता है। जैसे ही अपन उसको गैस को जलाते हैं तो वो क्या करती है, गैस अवस्था में आ जाती है, द्रव से गैस में उस टेम्परेचर के कारण, और वो जलने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि द्रव अवस्था में क्या होता है, गैस का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो क्या हो जाती है, किसी सिलेंडर में भर जाती है, इस कारण उसको द्रव अवस्था में लेते हैं, क्योंकि वो आयतन क्या करती है, थोड़ा सा उसके ज़्यादा कम आयतन में ज़्यादा आ जाती है गैस में, इसका ये फ़र्क ये है। अब अपन ये कहेंगे कि भाई इसको अपन कहते हैं डीजनरेट कूलिंग, यानी इस प्रोसेस को बार 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 चलाना कि द्रव के गैस के ताप में, गैस के ताप में कमी आ जाती है, उसको कहते हैं डीजनरेट कूलिंग, पुनर्निवेशी शीतलन कहते हैं इसको। इसी को अपन आगे चलते हुए कहते हैं। अपन इसमें देखें उससे भी एक अच्छी विधि है, वह है कूलिंग बाई एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, यानी जो द्रव हीलियम होती है उसका तापक्रम 0.25 केल्विन होता है, डेसिमल 25 केल्विन होता है। इससे भी बहुत कम तापक्रम अपन को लाना है 0.25 केल्विन, तो अपन इस विधि द्वारा ला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम लैंग्वे ने बताया था कि कोई भी डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, जब उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जाता है तो उसके ताप में कमी आती है। तो कैसे आती है कमी, कि जब उसको चुंबकित करते हैं या विचुंबकित करते हैं तो उसके ताप में कमी आती है, और ये इसके भी चुंबकन भी रुदोष्म चुंबकन का अपना उदाहरण है। कैसे कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं तो उसकी परमाणु जो चुंबकीय होती है, एटॉमिक जो मैग्नेट होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाती है। उसके जो ओरिएंटेशन होते हैं परमाणु चुंबकों के, वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाते हैं। और जब उसको विचुंबकित करते हैं तो क्या होता है कि जो वो परमाणु चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित होती है, वो पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट आती है, यानी जो संरेखण हुआ था, जो अलाइनमेंट होता था, वो वापस एक अपने जैसे थी पहली अवस्था में आ जाते हैं। तो पहली अवस्था में आते हैं तो उस समय उसको कार्य करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। जैसे ही ताप कम हो जाता है तो आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है तो ताप कम हो जाता है, इसलिए वो ताप उसका घट जाता है। इसके पश्चात अपन कहेंगे कि ये डिवाइस ने बताया था कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो उसकी परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है, यानी अलाइन हो जाती है। जब इसे भी चुंबकित करता है तो परमाणु चुंबकीय पुनः अपने परमाणु में आ जाती है, इस कार्य तो अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च करती है, और चूंकि आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है, ताप कम हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है तो ताप कम हो जाता है, जिससे उसके ताप में कमी आती है, डिवाइस ने बताया, डिवाइस साइंटिस्ट है। अब आप देखिए इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो साइमन वो कुर्तो का एक्सपेरिमेंट है, डायमंड और कुर्तो ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें क्या होती है, इसमें ये होती है एक नलिका ए होती है, इसके अंदर क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है वो गैडोलिनियम सल्फेट यहाँ भर लेते हैं। इसके ऊपर ये नलिका होती है, यहाँ से तो द्रव हीलियम अंदर आती है चैम्बर में, और जो गैस बन जाती है हीलियम की, वो क्या करती है, यहाँ से पंप द्वारा बाहर निकल जाती है। इसके ऊपर क्या होती है, तारों की एक कुंडली लपेटी हो जाती है, इसके से अपन चुंबकीय प्रवृत्ति या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं। इसमें क्या होता है, एक दीवार फ्रैश होता है, दोहरी दीवार वाला, तो इसमें एक में तो क्या बढ़ जाती है, द्रव हीलियम बढ़ जाती है, और अंदर वाले में द्रव हाइड्रोजन बढ़ी जाती है, और इसके बीच में ये नलिका लगी हो जाती है, और चुंबकीय ध्रुव N और S इन दोनों द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र किया जाता है। तो ये इसकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, कैसे है कि इसमें नलिका ये होती है जिसमें अनुचुंबकीय पदार्थ गैडोलिनियम सल्फेट लिया जाता है। इस नलिका के ऊपर क्या होता है, कुंडली लगी होती है जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति को ज्ञात करके ताप निकालते हैं।
इसमें दो फ्लास्क होते हैं, एक पहला वाला फ्लास्क में तो क्या होती है, द्रव हाइड्रोजन भरी जाती है और दूसरा वाला फ्लास्क में द्रव हीलियम भरी जाती है, और पूरा और इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एन और एस के बीच में इस उपकरण को रखा जाता है। तो इसके द्वारा एन और एस द्वारा क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो कैसे करेंगे, पहले कि पहले पहले अपन क्या करेंगे, गैडलियम के इसको अपन द्रव हाइड्रोजन के अंदर रखेंगे, तो इसका तापक्रम क्या होता है, द्रव हीलियम हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, जब द्रव अवस्था थोड़ी देर के बाद जब उसमें साम्यवस्था आ जाता है तो अपन इसको क्या करते हैं, द्रव हीलियम में रखते हैं। तो द्रव हीलियम का तापक्रम इस द्रव हाइड्रोजन के हो जाएगा, और इसका तापक्रम क्या होगा, द्रव हीलियम के तापक्रम 0.8 केल्विन, जो अपन कहते हैं डेसिमल 8 केल्विन कहते हैं, उतना हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, उसको चुंबकित करते हैं, यानी इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो इसकी परमाणु चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है, अलाइनमेंट हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको संरेखित हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, यहाँ इसके तापक्रम में वृद्धि होती है, तो यहाँ की कुछ द्रव हाइड्रोजन जो होती है, द्रव हीलियम जो होती है, द्रव हीलियम गैस में बदल होती है, जो कि पंप द्वारा बाहर निकल जाती है, पुनः तो उस द्रव हाइड्रोजन इसमें आती है, ताकि इसका तापक्रम इस द्रव हाइड्रोजन के तापक्रम के बराबर हो जाता है। अब थोड़ी देर में जब इसका ताप द्रव हाइड्रोजन के ताप के बराबर, हीलियम के बराबर हो गया, फिर इसको क्या करते हैं, विचुंबकित करते हैं, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया है उसको हटाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगी, इनकी जो परमाणु चुंबकीय थी वो क्या करेंगी, ये जो परमाणु चुंबकीय वापस क्या करेगी, अपनी मूल अवस्था में आएगी। तो अपनी मूल अवस्था में आएगी, तो उस मूल अवस्था में आने के लिए उसको कार्य करना पड़ेगा, कार्य करेगी तो अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी, जब आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी तो टेम्परेचर घट जाएगा, टेम्परेचर तो ये अपना उद्देश्य था कि उसके ताप में क्या करेगी, कमी आएगी। अब इसमें क्या होगा कि इस नली के चारों ओर जो लिप्टी कुंडली है उससे चुंबकीय प्रतिक्रिया करते हैं, और ये अपना नियम है कि अनुचुंबकीय परिवर्तन, अनुचुंबकीय बताते हैं कि चुंबकीय प्रतिक्रिया होती है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसे न्यूनतम ताप तापक्रम डेसिमल 0.02 केल्विन प्राप्त कर सकते हैं। और नाभिक जो होती है, परमाणु की जो नाभिक होती है, उसको भी अपन भी चुंबकित करके इसके टेम्परेचर को और अधिक कम 10^-5 केल्विन अपन ला सकते हैं, ठीक है, यानी इसे टेम्परेचर कम किया जाता है। हाँ टाइम बहुत चुंबकीय हैं, क्या होती हैं कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी परमाणु चुंबकीय जो डोमेन के रूप में होती है, ये ऐसे बिखरी हुई होती है इसके डोमेन, इसके अभिविन्यास इधर हो जाते हैं, जब इसमें जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होगा, ये थोड़ी थोड़ी डॉगन क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है। बी आपका 0 और ये आपकी बी टू पर जाएगी। अब जैसे ही अपने का कि भाई जो आपकी परमाणु चुंबक है वो हर संभव विन्यास में इसके अभिविन्यासित होती है वो, और जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो इसके अभिविन्यास एक संरेखित हो जाती है, यानी वो एक पर्टिकुलर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र दिशा में अभिन्यास होती है। जब बी हटाते हैं तो इसके कारण क्या होगा कि कार्य करते हैं तो ताप में वृद्धि होगी, तो क्या होगी, द्रव हाइड्रोजन द्रव गैस में बदल जाएगी और उसको बाहर निकाल देंगे, और जैसे ही इसको अपन हटा देंगे तो वापस क्या करेगी, अपनी पुनः प्राण अवस्था में आ जाएंगे, ये डोमेन परमाणु चुंबक के वापस आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी आंतरिक ऊर्जा खर्च होगी, और वही आंतरिक ऊर्जा क्या करेगी, ताप को घटाएगी, और ताप घटता है तो इसमें घट करके 0.02 केल्विन प्राप्त किया जाता है। इसे भी और कम नाभिकीय विचुंबकत्व किया जाता है 10^-5 डिग्री। इसको एक बार वापस समझना कि जो साइमन क्रुतो का जो प्रयोग है उसमें क्या होता है कि कांच की नलिका एक होती है जिसमें गैडलियम सल्फेट पदार्थ दिया जाता है, दोहरी दीवार वाला फ्लास्क होता है, अंदर वाले में द्रव हाइड्रोजन, बाहर वाले में द्रव हीलियम होती है, ऊपर की नलिका में कुंडली लपेटी होती है, और एन और एस दो चुंबक के द्रव होते हैं जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नलिका को अपन द्रव हाइड्रोजन रखते हैं ताकि इसका ताप इसके बराबर हो जाए, फिर इसको द्रव हीलियम के अंदर है ये वापस रखा होता है तो इसका ताप इसके बराबर हो जाता है, उसमें संतुलन अवस्था आ जाता है। अब अपन क्या करते हैं, चुंबकीय करते हैं तो कुछ परमाणु चुंबकीय क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में विन्यासित होती है, लवण पर कार्य होता है, ताप में वृद्धि होती है, तो हाइड्रोजन कैसे बदल जाती है, गैस में बदल जाती है, इसको बाहर चली जाती है, दूसरी अपन द्रव हाइड्रोजन वापस यहाँ हीलियम ले आते, इसका ताप इसके बराबर हो गया। अब अपन क्या करते हैं, विचुंबकित करते हैं, तो परमाणु चुंबकीय क्या करती है, पुनः अपनी प्राण अवस्था में आ जाती है। तो
इससे क्या होगा कि उसकी अंतिम ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए उसके ताप में कमी आएगी, और ताप में कमी से उसका टेम्परेचर क्या करेगा, घट जाएगा। और पता है, और कुंडली से अपन चुंबक की प्रवृत्ति ज्ञात करते हैं तो एक्स प्रोपोर्शनल 1/T, यानी चुंबक के पदार्थ का ये होता है नियम, क्यूरी का नियम, कि एक्स समानुपाती 1/T। और अधिक उसको नाभिक न्यूक्लियस का भी चुंबकन किया जाता है, इससे और अधिक कम किया जाता है। इस प्रकार दो सभी चुंबकन द्वारा अपन तापक्रम कम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।